जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि सिर्फ एक बीज से शराब या किसी भी नशे की आदत छुड़ाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक बीज जो है कि एक चमत्कारी बीज है, जिसके बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। उस बीज का नाम है जमाल गोटा। जी हाँ, जमाल गोटा। आज मैं आप लोगों को जमाल गोटे के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो पे कई लोगों के कमेंट आए थे। कई लोग जमाल गोटा क्या होता है ये नहीं जानते, वो कैसे काम करता है, उससे क्या क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी आपको, एक बार फिर से रिवाइज करूंगी कि किस तरह से जमाल गोटे का इस्तेमाल करके नशे की आदत छुड़ाई जा सकती है। शराब की, सिगरेट की, बीड़ी की, किसी भी तरह की नशे की आदत सिर्फ जमाल गोटे से छुड़ाई जा सकती है। जी हाँ, पर अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं, जिससे काफी लोगों की मदद हुई है, काफी घर सुधर चुके हैं, कईयों की शराब की आदत जड़ से खत्म हो चुकी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमाल गोटा होता क्या है। तो जमाल गोटा एक पेड़ होता है जिसकी ऊंची 15 से 20 फीट की होती है। इस पेड़ का फल होता है जमाल गोटा, मतलब इस पेड़ में जो फूल लगता है, फूल लगने के बाद में वो फूल सूख जाता है, उसका जो बीज में से एक फल निकलता है उसको सुखा लिया जाता है, तो एक तरह के ये बीज बन जाते हैं जो कि इस तरह के दिखते हैं। ये जो बीज होते हैं ये जमाल गोटे का काम करते हैं। अब हम जानते हैं जमाल गोटे के फायदे क्या क्या हैं। तो जमाल गोटे के अगर फायदे देखे जाएं तो ये बहुत सारे हैं। लंबे समय से अगर हमें कब्ज हो रही है तो कब्ज की परेशानी को हल करने के लिए जमाल गोटे का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अगर आपको गंजेपन की शिकायत है तो जमाल गोटे के फल को, मतलब इन बीजों को पीस कर और उसका पेस्ट बनाकर अगर हम सिर में लगाते हैं तो हमारा गंजापन भी इससे दूर होता है। साथ ही इसके और भी कई सारे फायदे हैं, पर हमने जो आपको इसका फायदा बताया ये बिल्कुल हटके है, ये बहुत ही अजमाया हुआ है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कई लोगों की जो बचपन से, कई लोग होते हैं जो बचपन से बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, बचपन से कई नशा करने लग जाते हैं, बचपन से आ रही बुरी आदत को भी इस जमाल गोटे की मदद से छुड़ाया जा सकता है। अब हम बताते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, जो कि मैं पहले अपने वीडियो में भी बता चुकी हूँ। आपको इसका इस्तेमाल गुप्त रूप से करना है, मतलब आपको सीक्रेटली इसका इस्तेमाल करना है। जिसकी भी आप शराब छुड़ाना चाहते हैं, आपको उसको पता नहीं चलने देना है कि आप उसे इस तरह की कुछ दवा दे रहे हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं चलने देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि जमाल गोटा आपको लेना है, सिर्फ आधा बीज या एक बीज। अगर आधा बीज असर नहीं करता है तो आप एक बीज ले लीजिए, बेलन से या किसी भी चीज से आप उसे चपटा करेंगे तो वो एकदम पाउडर बन जाएगा। अब आप उसे, उस जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं, जब उसे आप खाना सर्व करें या फिर जो भी उनकी कुछ खाने की चीज है उसमें से डाल दें, बस ये ध्यान रखें कि वो इसे एक बार में खा लें, मतलब उतनी ही कटोरी में सब्जी सर्व कीजिए। अगर आप जैसे सब्जी में उन्हें देते हैं, जैसे अगर आप उन्हें खाना सर्व कर रहे हैं, कटोरी में अगर आपने सब्जी दी है तो इतनी ही सब्जी दें कि वो एक बार में वो सब्जी पूरी खा लें, ठीक है। तो थोड़ी सी सब्जी दीजिए, उसमें इस जमाल गोटे का पाउडर डाल दीजिए, उसके बाद में उन्हें वो खा लें। वो इसको खाने के जस्ट आधे घंटे में उन्हें लूज मोशन होंगे, ठीक है। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, हमने बहुत कम क्वांटिटी में दिया है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ उन्हें दस्त लगेंगे, ठीक है। उन्हें दस्त लगेंगे, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दस्त लगने पर सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन होता है, मतलब शरीर में पानी की कमी होती है, तो उस बंदे को आपको पानी की कमी नहीं होने देना है, आपको उन्हें पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पानी देते रहिए, अगर वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल मना नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी वो मेडिसिन भी लेंगे अगर दस्त की या कुछ भी, तो कोई नुकसान नहीं होगा, उन्हें लेने दीजिए, ठीक है। एक बार हमने ऐसा कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब भी वो फिर पी के आते हैं, जब फिर से वो अगर ड्रिंक करते हैं, तो आपको सेम प्रोसेस को दोहराना है, बस आपको ये बताना नहीं है कि आपने उन्हें कुछ दिया है, ठीक है। सेम प्रोसेस नेक्स्ट टाइम कीजिए, फिर अगली बार जब वो पिए फिर कीजिए, इससे उन्हें सिर्फ लूज मोशन लगेगा, आप इस चीज का ध्यान रखें। मैं बार बार आपको ये चीज कह रही हूँ कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा, हम बहुत कम क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ दस्त लगेंगे, ठीक है, सिर्फ दस्त ही लगेंगे, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ दस्त लगेंगे। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी देते रहना है, आप चाहें तो ORS का घोल भी दे सकते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है।
हमें ये प्रोसेस को दोहराते रहना है। फिर हमको उनका थोड़ा माइंड सेट करना है, उनके दिमाग के साथ खेलना है कि हो सकता है आप जब भी पी रहे हैं तब आपको दस्त लग रहे हैं, इसका मतलब आपको शराब सूट नहीं हो रही है, आपकी बॉडी शराब को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो आप थोड़े दिन शराब छोड़ के देखिए, हो सकता है आपको ऐसा ना हो। ठीक है, सामने वाले के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, हो सकता है वो एक बार में आपकी ये बात ना माने, दूसरी बार फिर जब भी वो पिए आप सेम प्रोसेस कीजिए, उनके दिमाग में धीरे धीरे करके ये बात डालते जाएं। हम जब बीज बो देंगे तो वो पेड़ जरूर बनेगा। ठीक है, तो हमने बीज बो दिया है उनके दिमाग में कि आप पी रहे हैं इसलिए आपको दस्त लग रहे हैं, धीरे धीरे वो जब अंकुरित होगा पौधा बनेगा, उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि हाँ वो पी रहे हैं और उनको दस्त लग रहे हैं, और वह दस्त से इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि वो शराब छोड़ देंगे। ठीक है, आपको मेरी बात आई समझ में? अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे कई लोगों ने कमेंट करके बताया कि मैडम कई लोग हैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं हमारे दुनिया में, भारत में तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो कई लोग मुझे कहते हैं कि ये तो पॉइजन है, इससे ये होगा वो होगा। तो देखिए, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रही हूँ कि ये कोई नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ डिहाइड्रेशन करेगा, लूज मोशन करेगा। तो डिहाइड्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ORS घोल देते रहना है, साथ ही पानी ज़्यादा ज़्यादा पिलाते रहना है। ठीक है, अब अगर बात आप करते हैं कि ये स्लो पॉइजन होता है, कई लोग कहते हैं, मैं कह रही हूँ ना कि भारत में बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, कई लोग कहते हैं स्लो पॉइजन होता है, ये होता है वो होता है, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या शराब स्लो पॉइजन नहीं होता? जिस तरह से कहा जाता है कि लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह से ये भी एक लोहा है और ये शराब जैसे लोहे को काटने का काम करेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने खुद ने इसे अजमाया है, हमारे नेबर का जो कि बचपन में 14 साल की उम्र से शराब पी रहे थे, आज उनकी उम्र 40 साल है और वो पूरी तरह से शराब से तौबा कर चुके हैं, शराब का नाम लेने में भी उन्हें दस्त लग जाते हैं अब तो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। मेरे कई सब्सक्राइबर्स, मेरे कई सारे व्यूअर्स मुझसे सवाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये कहाँ मिलेगा, उन्हें नहीं पता है कि ये कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से मिलता है। ऑफलाइन किसी भी बड़ी पंसारी की दुकान पर या फिर जहाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती है वहाँ पर मिल जाएगा, बड़ी किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। ठीक है, और अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैं इसकी बाय लिंक, परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो उसे जाकर चेक कर सकते हैं, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और भी इससे जुड़ी अगर आप कुछ मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी कोई इंक्वायरी हो, आपको और भी कुछ अगर मन में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगी, क्योंकि शराब की जो आदत है या फिर किसी भी नशे की अगर जो आदत है वो बहुत बुरी आदत है, घर को बर्बाद कर देती है इस तरह की आदतें, और जो महिलाएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा त्रस्त होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है इन सब आदतों से। तो मैं आप लोगों की तकलीफ समझती हूँ, इसलिए अगर आप चाहें तो मुझसे हेल्प मांगिए, कमेंट कीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कई जो दुखी हैं, कई जो परेशान हैं, उनकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो का रास्ता देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कई हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेकर आती रहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।